स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने एरो इंडिया में मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारतीय थल सेना 95 की संख्या में स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को खरीदने की योजना बना रही है। इसके अलावा 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी खरीदने पर विचार चल रहा है, जिसके लिए शीघ्र ही डिसीजन ले लिया जाएगा। भारत के घरेलू डिफेंस कंपनीज के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि दोनों ही हेलीकॉप्टर पूरी तरह स्वदेशी हैं, इसीलिए इनके प्रोडक्शन में जितने भी तरह के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे वो घरेलू कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। भारत के स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनरल मनोज पांडे ने आगे बताया कि भारतीय सेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर अब पुराने हो चले हैं, जिससे सेना अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और प्रचंड से रिप्लेस करना चाहती है। आपको बता दें कि लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में घातक मिसाइल हेलिना को लगाया जाने वाला है, जिसे इंटीग्रेट करने के लिए टेस्टिंग लगातार जारी है। प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के बंकर, टैंक और ड्रोन इत्यादि को डिस्ट्रॉय करने में महारत हासिल है। इसकी इंटेंस टेस्टिंग राजस्थान के रेगिस्तान और सियाचिन के ऊंचे पहाड़ दोनों जगहों पर की गई है, जहां प्रचंड का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है। वैसे आपको कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा पसंद है, स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड या अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।